去。देखो एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि बादल इंपॉर्टेंट, और वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं पर यहां मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को। इतने सारे दोस्त एक साथ देख के मजा आ गया यार। बॉयज इन द हाउस गिव मी अ चीयर, गर्ल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। अच्छा मैं कहना चाहता हूं, सुनो, तो मैं बीच में ना, देखो मैं कोटा बहुत आया गया हूं, मैंने कोटा बहुत देखा, मेरे सब दोस्त कोटा रहे हुए हैं। भाई जो कोटा में बात है ना वो कहीं नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बीच में ना अमेरिका गया था, पता तुम लोगों को, वहां पे ना माँ बाप अपने बच्चों को मार नहीं सकते, तो मैंने ये बात अपने पापा को बताई। मैंने कहा पापा यहाँ पे बच्चों को मार नहीं सकते, तो उन्होंने फोन काट दिया। मैंने क्या हुआ, बोले ऐसी कोई भी जगह जहां पे मैं इमेजिन कर सकूं कि तुझे नहीं मार सकता, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं उस समझ नहीं, कोई है जिसके कभी किसके पापा मम्मी ने डांटा नहीं है, मारा नहीं है? हाथ उठा, आवाज आवाज आवाज, खराब हो गया तुम्हारा बचपना, बर्बाद हो गए तुम, तुम सारी जिंदगी इस डर में जियोगे कि कभी कोई मार देगा तो। यहां देखो छाती पे जख्म लेके चल रहे हैं। अब हमारे बाबा तो किसी बात पे कूट देते थे, एक दिन घर में आया मारना चालू कर दिया कि सड़क पे लेके आएगा, खानदान की नाक कटाएगा, कहानी कहानी छोड़ेगा, ये लड़का बर्बाद कर देगा। तो मैंने मन में सोचा कि ओके यू नो माई प्लान्स, लेकिन ये तो बताओ कि अभी हुआ क्या है? और मेरी मम्मी पापा का ना रोमांस खत्म नहीं हुआ है, उनका रोमांस ऐसा नहीं कि टच कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, नहीं नहीं, उनका रोमांस है बातों में। वहां बड़ा लड़का पिट रहा है, कितने बड़े लड़के, बड़े 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 लड़कियां, बड़े लड़के घर के अगी में चेयर, या बड़ा बच्चा पिट रहा है, यूनि जाके छुड़वा ले। किचन से दरवाजे पे टिक के मेरी मम्मी आवाजें लगा रही, छोड़िए जी ना, छोड़िए जी इज अ गुड स्टार्ट। आई वाज लाइक कि चलो सही है, कुछ तो बोला। उसके बाद बोली क्यों खून जलाते हैं इनके पीछे अपना। आई वाज लाइक वो, मैंने किसका खून जल रहा है, तुम्हारे पति का नहीं जल रहा है, तुम्हारे बेटे का जल रहा है? तो क्या हुआ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुनो सुनो, अगर तुमने मुझे, अगर तुमने ऑल द बेस्ट विश नहीं किया तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, और आदमी इतने सुअर होते हैं, ऐसा नीरा निखट नितांत झूठ ऐसे बहता है हमारे मुंह से। ये बोल के मैं फोन घर पे छोड़ के निकल गया। आधा किलोमीटर गया बाइक से, मुझे याद आ गया कि ओ शिट, फोन तो घर पे है, फोन आएगा। मैं जब तक वापस आया तब तक फोन चुका था आ, और कान चुका था हो। पापा ने फोन उठाया। अच्छा एक उम्र के बाद ना लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती कि आपकी और आपके पापा की आवाज। पापा ने उधर से बोला हेलो, उन्होंने उसके आगे सुनाई, उन्होंने अपना पूरा बोल दिया, ऑल द बेस्ट जानू, लव यू, किस किस, बाय। हमारे पापा ने पता है क्या जवाब दिया, बोले बेटा जानू नहीं जानू का बाप बोल रहा हूं।
बड़ी बीमारी धीरे धीरे बन जाए न कोई नारी देखो देखो ऐसा बड़ी बीमारी धीरे धीरे बन जाए न कोई नारी दिल कैसे है दिल कारे न सारे हैं आज तुम्हें पर उसे देखने सितारे हैं अब वो नमस्कार कोटा के वासियों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है, वो मेरा भाई शेखर है वहां पे। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी खूबसूरत क्राउड को देख के दिल पूरा खुश हो गया। आज बहुत ज्यादा मजा करेंगे हम लोग।